बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इसमें आपको पांच कंपाउंड दिए गए हैं और उनको इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर के बेसिस पे अरेंज करना है। तो इसमें से देखो आप कैसे पहचानोगे, LiF है, लिथियम फ्लोराइड है, पोटेशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड है। तो इसमें से देखो कि N2 जो है वो तो एक प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों एटम्स जो हैं वो एक जैसे हैं। और आयनिक करेक्टर जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो कंपाउंड उतना ही मोर आयनिक होगा। तो N2 को आप एक्सट्रीम लेफ्ट में रख सकते हो, है ना। ये प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि एक ही, दोनों एटम सेम ही है। अब उसके बाद एक्सट्रीम राइट में रखने के लिए हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, देखो LiF। LiF में फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अमंग ऑल द एलिमेंट्स। और लिथियम जो है एक एल्कली मेटल है। तो जब बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल, वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के, नॉन मेटल के बीच में होगा, तो नेचुरली ये सबसे ज़्यादा आयनिक है अमंग ऑल दीज। ठीक है, इसको आप बेहिचक एक्सट्रीम राइट में रख दो, मतलब मोस्टली आयनिक करेक्टर विदाउट डाउट। अब आता है कि नाइट्रोजन के बाद कौन सा है। तो इसमें से आप देखो कि K2O जो है वो, उसमें भी एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, है ना। जबकि SO2 में जो बॉन्डिंग है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रही है, ए सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दोनों। ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर उसके नीचे है। इसी तरह से क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड में भी दोनों नॉन मेटल्स हैं, है ना, हेलोजन्स हैं दोनों। तो इसका मतलब K2O जो है वो SO2 और ClF3 से ज़्यादा आयनिक है। तो आप इसको LiF से पहले लिख सकते हो, है ना। LiF तो मोस्ट आयनिक हो गया, उसके बाद जो आयनिक है वो है K2O, क्योंकि पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है ये, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड भी आयनिक बॉन्ड है ना इसके अंदर। और करेक्टर भी ज़्यादा आयनिक करेक्टर एज़ कम्पेयर टू SO2 एंड ClF3। के की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.82 है और ऑक्सीजन की 3.5, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड है ये भी। LiF भी आयनिक कंपाउंड है, K2O भी आयनिक कंपाउंड है। अब क्वेश्चन आता है बिटवीन SO2 एंड ClF3, है ना। इसमें डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल्स के जुड़े हुए कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो S, अब हमको देखना पड़ेगा कि S सल्फर की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है, और क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1 का डिफरेंस है, और Cl और क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.82 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आपके हिसाब से जो हमने बोला कि आयनिक करेक्टर बढ़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन आयनिक, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, तो उस हिसाब से तो ClF3 को कम होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू SO2। रीज़न बिहाइंड कि SO2 की स्ट्रक्चर होती है बैंड, देखो बैंड स्ट्रक्चर है ना। और इससे क्या होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम हो जाता है, और जबकि ClF3 में स्ट्रक्चर है टी शेप, और फ्लोरीन के 3 एटम जुड़े हुए हैं और एस के साथ ऑक्सीजन के 2 ही एटम जुड़े हुए हैं। तो फाइनली जो डाइपोल मोमेंट है ना वो ClF3 का ज़्यादा आता है, SO2 का कम आता है, इसीलिए जो ClF3 है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन SO2, ये रीज़न है। तो सबसे लीस्ट है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद SO2, फिर ClF3, फिर K2O, फिर LiF।